हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली वीडियोस मिल रही हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बायोलॉजी का इकोसिस्टम से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट में हम आगे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम से आपको डेली वीडियोस कंटिन्यूस मिल ही रही हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, तो क्वेश्चन नंबर 26 इज द एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, कि एक जीव के पर्यावरण में शामिल है कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहला है एटमोसफेयर, तो ये एटमोसफेयर भी होता है। सेकेंड इज हाइड्रोस्फेयर, तो हाइड्रोस्फेयर भी है। सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये भी आता है। थर्ड इज एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सो द एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं? ओमनीवोर्स है, कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एज वी ऑल नो कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो कौन से ट्रॉफिक लेवल में आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में। ये क्या करते हैं? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं। प्राइमरी, जैसे एग्जांपल, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रास। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? हर्बीवोर्स। कौन से ट्रॉपिक लेवल में आते हैं? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में। और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन होगा, हर्बीवोरस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज कॉमनलिज्म इज अ टर्म विच कैरेक्टराइज, कि कॉमनलिज्म क्या है? कॉमनलिज्म एक शब्द है जो विशेषता है किसकी? एज वी ऑल नो कि कॉमनलिज्म क्या है, किसका टाइप है? इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म है तो एक ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट हो रहा है बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म किए हुए। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है लिविंग टूगेदर ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, कि एक साथ रहते हैं अलग अलग तरीके के एनिमल्स। सेकेंड ऑप्शन है कॉमनलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बात तो सही है कि जो कॉमनलिज्म है वो किसका टाइप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का टाइप है बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिजम्स की जो अलग अलग स्पीसीज हैं जिसमें से एक स्पीसीज का बेनिफिट होता है फ्रॉम द रिलेशनशिप वाइल द अदर स्पीसीज इज नाइदर हार्म, ठीक है। वो दूसरे स्पीसीज को बिना हार्म किए हुए उस स्पीसीज का क्या होता है? बेनिफिट होता है और नोर बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। तो दूसरे जो स्पीसीज है ना तो उसका बेनिफिट ही है और ना ही हार्म है, तो दैट इज कॉमनलिज्म। तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, की फूड एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट थ्रू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स इज कॉल्ड, कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज फूड चेन, दैट इज नोन एज फूड चेन, की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। यानी कि प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। तो क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, जिसे हम कहते हैं फूड चेन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इकोसिस्टम, इनकरेक्ट। इकोलॉजिकल लाइन, इनकरेक्ट। बायोटिक सक्सेशन, इनकरेक्ट। फूड चेन इज द करेक्ट आंसर। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है एनिमल्स विच लीव एट द बॉटम ऑफ द सी, कि ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं? सी में नीचे रहते हैं, यानी कि समुद्र के तल पर रहने वाले जानवरों को कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज बेंथिक, दैट इज नोन एज बेंथिक। अगर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेंथिक का जो एग्जाम्पल है, दैट इज क्लैम्स, दैट इज क्लैम्स। और ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये क्या है? ये क्लैम्स है। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है बेंथिक का एग्जाम्पल। तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, लेंटिक, इनकरेक्ट। बेंथिक इज द करेक्ट आंसर, कि समुद्र के तल पर रहने वाले जानवरों को कहा जाता है बेंथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज साइंस विच लिंक हेरिडिटी विद एनवायरमेंट, कि साइंस जो हेरिडिटी को किससे जोड़ती है? एनवायरमेंट से जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला है जेनेटिक, तो जेनेटिक्स तो नहीं कहते।
सेकेंड इज जीन इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी. तो जीन इकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड ऑप्शन था इकोलॉजी. एस वी ओल्लो की इकोलॉजी क्या है, जिसमें इंट्रैक्शन किस किस का है, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में, तो ये भी इनकरेक्ट. इको फिजियोलॉजी दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टडी ऑफ एनिमल्स इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट इज नोन एज, कि अपने पर्यावरण के संबंध में जानवर के अध्ययन के रूप में जाना जाता है. तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज साइनोकोलॉजी, दैट इज नोन एज साइनोकोलॉजी. तो ऑटोकोलॉजी इनकरेक्ट, साइनोकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में. तो कौन सा एलिमेंट है, दैट इज मोलीबेडनम. तो मोलीबेडनम जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. कि मोलीबेडनम क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देखा, आपने देखा होगा जितने भी हम इस चैप्टर से क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं कि किसने टर्म इकोसिस्टम, टर्म किसने दी थी, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अपने आप में जो इकोसिस्टम है चैप्टर भी बड़ा है, तो इसके हम जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टडी ऑफ कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट, क्वेश्चन रिपीटर, दैट इज साइनोकोलॉजी. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, कि इनमें से कौन सा इंट्रैक्शन ऐसा है जो को इवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता. पहला है पैरासिटिज, दूसरा म्यूचुअलिज्म, थर्ड इज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, और फोर्थ इज कॉमनलिज्म. तो कॉमनलिज्म एक ऐसा है, एक ऐसा एसोसिएशन है जो को इवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता, डज नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, क्योंकि एज द पार्टनर जो भी है ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं. तो कॉमनलिज्म रेफर टू एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन बेनिफिट, एक का बेनिफिट हो रहा है बट बिना किसी दूसरे स्पीसीज को हार्म किए हुए, दैट इज कॉमनलिज्म. इट मीन्स कि ये दोनों जो है ये इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है. कॉमनलिज्म विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, की जो कॉमनलिज्म है वो को इवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है पैरासिटिज्म, इनकरेक्ट. म्यूचुअलिज्म में दोनों का बेनिफिट होता है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इनकरेक्ट. कॉमनलिज्म इज द करेक्ट आंसर. लेट सी, पैरासिटिज्म, अमिनलिज्म, म्यूचुअलिज्म, हर बार हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए. कॉमनलिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं. बात करते हैं सबसे पहले पैरासिटिज्म. एज वी ऑल नो किसका टाइप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का टाइप है. अब जिसमें एक स्पीसीज दैट इज पैरासाइट जिसका बेनिफिट हो रहा है, वाइल द अदर स्पीसीज जो होस्ट है इज हार्म, कि दो स्पीसीज है, दो स्पीसीज में से एक स्पीसीज का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और दूसरी स्पीसीज का क्या हो रहा है, हार्म्स हो रहा है. एग्जाम्पल, टेपवॉर्म्स आर पैरासाइट्स ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, कैट्स एंड डॉग्स. तो क्या होता है पैरासिटिज्म में, सिंपल, कि एक जो स्पीसीज है उसका बेनिफिट हो रहा है, दूसरी स्पीसीज का क्या है, हार्म हो रहा है. सेकंड आता है दैट इज एमिनलिज्म, बट जो पैरासिटिज्म है ये क्या करता है, को इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है एमिनलिज्म, ये भी रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक को हर्ट होता है, जिसमें एक को हर्ट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज पेनिसिलिन किलिंग बैक्टीरिया. जो पेनिसिलिन है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है या बैक्टीरिया को ही किल कर देता है. ब्रेड माउल्ड पेनिसिलिन सिक्रीट पेनिसिलिन दैट अल्टीमेटली किल बैक्टीरिया. तो दिस फाइंडिंग फॉर्म द बेसिस फॉर द फर्स्ट टू एंटीबायोटिक. एज वी ऑल नो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, किसने डिस्कवर की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था. तो एमिनलिज्म भी क्या करता है, को इवोल्यूशन को प्रमोट करता है. उसके बाद आता है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म भी किसका टाइप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का टाइप है. इसमें क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, दोनों स्पीसीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है. एग्जाम्पल, लाइकन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ ग्रीन एल्गी विद फंगस. और ये भी क्या है, ये भी को इवोल्यूशन को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं किसी का हार्म है तो किसी का बेनिफिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36 है, द टू कम्युनिटी बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज शेयर द सेम फूड एंड स्पेस एंड द मेंबर ऑफ वन में फाइट एंड किल द मेंबर ऑफ द अदर बट नॉट ईट दैम. द एसोसिएशन बिटवीन दैम इज कॉल्ड, कि किस तरीके का एसोसिएशन इनमें है कि जो दो अलग अलग प्रजातियों से संबंधित दो समुदाय एक ही भोजन और स्थान साझा करते हैं, ठीक है, और एक के सदस्य दूसरे के सदस्यों से लड़ सकते हैं और उन्हें मार भी देते हैं, ठीक है, बट मारने के बाद उन्हें खा नहीं सकते. तो उनके बीच में किस तरह का एसोसिएशन है, तो उनके बीच में जो एसोसिएशन है वो किस तरीके का है, दैट इज कॉम्पिटिशन. दैट इज कॉम्पिटिशन. प्रीडेशन नहीं है, पैरासिटिज नहीं है, कॉम्युनलिज्म नहीं है, कॉम्पिटिशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ है, हर्बीवोर्स है, फाइटोफेगस है, या बोथ बी एंड सी है. एज वी ऑल नो कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट. तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. एग्जांपल ग्रीन और ग्रीन प्लांट. तो ग्रीन प्लांट क्या है कि बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स. कहीं ना कहीं जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. तो उसका जो आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन ऑटोट्रॉफ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज द बायोडाइवर्सिटी इज लोवेस्ट इन द, कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे लोवेस्ट किसमें होती है, डेजर्ट में, तुंद्रा में, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, की इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन है सनलाइट, दूसरा है ग्लूकोज, थर्ड इज प्रोटीन, एंड फोर्थ इज एटीपी. व्हाट इज एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दैट इज एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. फॉस्फेट. तो जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम में, दैट इज सनलाइट. क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. और एज वी ऑल नो कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड्स है, वो प्लांट्स पर डिपेंड है. सो तो जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम में वो क्या है, दैट इज अ सनलाइट. तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल, की इनमें से कौन सा ट्रॉफिक लेवल इन द पिरामिड ऑफ नंबर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, की किसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल है. पहला है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंड है प्रोड्यूसर, थर्ड इज प्राइमरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ इज मोर देन वन ऑफ द अबव. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो किसमें होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं प्रोड्यूसर में. क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है, दैट इज द बेस ऑफ द फूड चेन. कि क्या है ये, क्या है फूड चेन का बेस है, जो बाकी सभी ट्रॉफिक लेवल को क्या करता है, सपोर्ट करता है. और प्रोड्यूसर्स जो है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन था सेकेंडरी कंज्यूमर, इनकरेक्ट, प्रोड्यूसर इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स सी कि जो प्रोड्यूसर है ये क्या है, ये फूड चेन का बेस है, जो क्या करते हैं, ट्रॉपिक लेवल को सपोर्ट करते हैं, जो बाकी ट्रॉपिक लेवल्स हैं उन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है. दे हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पिरामिड ऑफ नंबर, कि पिरामिड ऑफ नंबर में इनका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है. और इन्हें हम कभी कभी क्या, सॉरी, इन्हें हम क्या कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है. और इनका क्या, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फीडर. कि प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ, दैट मीन्स ये क्या है, सेल्फ फीडर्स. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स. आपने देखा होगा यहाँ से जनरली बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक बार देखते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है. ये है हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स,
और टर्शरी कंज्यूमर टॉप प्रेडेटर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स जो किसे खाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है, कार्निवोर्स जो किसे खाएंगे, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स क्या है, टॉप प्रेडेटर जो दूसरे अदर कार्निवोर्स को ईट करते हैं। बात करें अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स की तो जो इनमें इंडिविजुअल होते हैं कम होते हैं एज कंपैरिजन टू प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे नीड टू कंज्यूम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि किसे खा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को, टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो लार्ज क्वांटिटी में किसे खा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं। आफ्टर दैट सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम होंगे, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए किसे खा रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं। आफ्टर दैट बात करें टर्शरी कंज्यूमर्स की तो इसमें उससे भी कम होंगे, क्योंकि ये भी अपनी एनर्जी को फुलफिल करने के लिए ज्यादा अमाउंट में किसे खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं। तो इट मीन्स जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो सबसे ज्यादा किसमें होंगे, वो होंगे प्रोड्यूसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो किसका है, जो क्या है, दैट इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, जिसमें एलिमेंट और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है किस किस के बीच में, बायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में, कि अब एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है बायोटिक और अबायोटिक के बीच में। बायोटिक मीन्स लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। सो फॉस्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो फॉस्फोरस, तो दैट इज ये किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री का, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस एंड सल्फर इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल मेनली रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। बायो का मतलब होता है बायोस्फीयर, जियो का मतलब होता है दैट इज जियोलॉजिकल कॉम्पोनेंट, और केमिकल का मतलब होता है जो भी एलिमेंट थ्रू आउट साइकिल के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, गैशियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैशियस साइकिल मीन्स कि कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब क्या है, ये गैशियस साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल सल्फर फॉस्फोरस रॉक साइकिल, ये सब क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट, कि इनमें से कौन सा बायोटिक कॉम्पोनेंट है। बायोटिक मतलब लिविंग, सो लेट सी एयर वॉटर लिविंग थिंग, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि लिविंग थिंग क्या है, दैट इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म इंटू कॉम्पोस्ट, कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, कम्पोस्ट में, किस प्रोसेस के थ्रू, तो वो होता है कम्पोस्टिंग, इसके थ्रू कंपोस्टिंग। तो लेट सी, फर्स्ट ऑप्शन कंपोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार बायोटिक और अबायोटिक देख लेते हैं। एज वी ऑल नो कि बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट ये प्रेजेंट होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। बायोटिक का कंपोनेंट मतलब लिविंग थिंग, जो क्या करते हैं, दैट शेप एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को एक शेप देते हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स आते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सॉरी दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक एनवायरमेंट के अंदर, इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट एज वी ऑल नो एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। तो बात करें अगर बायोटिक कॉम्पोनेंट, बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, ये बायोटिक अबायोटिक कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नाइक वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो कॉन्सेप्ट था इकोलॉजिकल नाइक का वो किसने दिया था, वो दिया था जे ग्रिनेल ने। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, क्या है बेसिस, जो इनमें से जो इकोलॉजी की बेसिक यूनिट कौन है, सो इकोसिस्टम, दैट इज इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो इकोसिस्टम है वो क्या है, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो फर्स्ट इज पॉपुलेशन इनकरेक्ट, एनवायरमेंट इनकरेक्ट, बायोस्फीयर इनकरेक्ट, इकोसिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ फूड चेन इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा फूड चेन का सही ऑर्डर है। एज वी ऑल नो फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। तो फर्स्ट है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस के बाद कौन आता है, दैट इज हर्बीवोकोकस। तो हर्बीवोकोकस कुछ नहीं है, दैट इज इनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनीवोरस हर्बीवोरस। तो सबसे पहले कौन आते हैं, हर्बीवोरस, बाद में आते हैं ओमनीवोरस, दैट इज ऑल्सो इनकर। थर्ड ऑप्शन हर्बीवोरस सही है, हर्बीवोरस के बाद कौन आता है, कार्निवोरस, ये भी इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन हर्बीवोरस सही है, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डेट्रीवोरस। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डेट्रीवोरस। सो द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो करेक्ट सीक्वेंस था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड डेट्रीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज द ओशियन इकोसिस्टम। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट नहीं है, लेक्स नहीं है, गार्डन्स, यस गार्डन क्या होगा, दैट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49 इज विच स्टेट हैज द मैक्सिमम मैनग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया, कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा मैनग्रोव वेजिटेशन है इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक। तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर, उस फीचर का नाम बताना है दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है टू सर्वाइव इन द कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट, कि वो हैबिटेट में जो भी कंडीशन है वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सके, वो फीचर को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। तो फर्स्ट आता है एडजस्टमेंट, इनकरेक्ट, एडेप्टेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वेयर बोथ देम आर बेनिफिट फ्रॉम वॉचिंग द अदर इज कॉल्ड, कि दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म, दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 25 to 26 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।